ये है शकुंतला और ये है आनंद। ये दो ऐसे सैटेलाइट्स है जो इंडियन कंपनी पिक्सल लॉन्च करने वाली है या कर चुकी होगी अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो। ये गेम चेंजिंग है पूरे धरती के लिए, इंडिया के लिए ही नहीं, क्योंकि ये लिटरली एक ग्लोबल हेल्थ मॉनिटर की तरह काम करेगा और हम इलीगल पॉल्यूशन प्लस लीगल पॉल्यूशन और इलीगल एक्टिविटीज क्विकली ढूंढ पाएंगे। पर कैसे? ये इसलिए क्योंकि ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स है। अब हाइपर स्पेक्ट्रल मतलब क्या, सुनने में तो मस्त लग रहा है। देखो यार, ये हाइपर वाइपर साइड में निकालो, हम आते हैं स्पेक्ट्रा के ऊपर या स्पेक्ट्रल के ऊपर। अब जब मैं बच्चों से वगैरह कहता हूँ ना कि स्पेक्ट्रल क्या है, तो उनके माइंड में यूजुअली रेनबो आता है, जो एक अच्छा स्टार्ट है। देखो, जब भी किसी चीज के ऊपर, फूल या जो भी है जिसके ऊपर लाइट गिरती है, तीन चीजें होते हैं। कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा वो चीज, कुछ लाइट उसके थ्रू चली जाएगी, ट्रांसमिट होगी, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस होगी, मतलब हम आंखों से जो देखते हैं, हम दुनिया को देखते हैं क्यों है, रिफ्लेक्शन की वजह से। इस केस में हम ज्यादा इंटरेस्टेड है रिफ्लेक्शन वाले कंपोनेंट में। एग्जांपल लेते हैं तन्मय भट्ट भैया का, ये उनके इंस्टाग्राम से मेरे को पिक्चर मिली। ये जो फोटो है वो टू गुड है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर एक्सप्लेन करने के लिए, मैं रिजिस्ट नहीं कर पाया इसे यूज करना। अब प्लीज भाई, तन्मय भाई को जाके कंप्लेन मत करना, मतलब मैंने उन्हें मैसेज तो किया था ट्विटर इंस्टाग्राम के ऊपर, पर उनका इनबॉक्स बहुत बिजी होगा, आई होप वो माइंड नहीं करेंगे, मतलब साइंस के लिए यूज कर रहे यार, चलता है आई होप। तो तन्मय भाई ने रेड शर्ट पहना है यहाँ पे। ये शर्ट इसलिए रेड नहीं है क्योंकि मतलब शर्ट का कलर रेड है, ये शर्ट इसलिए रेड है क्योंकि उनके ऊपर जो धूप गिर रही है उनका शर्ट बस रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी तरफ, ये सब्ट्रैक्टिवली रेड है। देखो, आपने वो देखा होगा ना, स्कूल में भी देखा होगा और ऑनलाइन कहीं तो, कि सनलाइट गिरती है प्रिज्म के ऊपर और फिर प्रिज्म उसे स्प्लिट कर देते हैं हर एक वेवलेंथ कलर में। सन के लाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो तन्मय भैया ने ऐसा शर्ट पहना है जो बस रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर सपोज मैं तन्मय भैया को एक डार्क रूम में लेके जाता हूँ और फिर उनके ऊपर एक ऐसे टॉर्च मारता हूँ जो ग्रीन कलर की है, तो क्या वो रेड रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, वो ग्रीन ही रिफ्लेक्ट करेगा, पर जितना रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना नहीं करेगा, थोड़ा कम करेगा। सपोज ब्लू कलर का टॉर्च मारता हूं तो वो भी और मे बी और कम करे उससे। तो सपोज मैं इस चीज को प्लॉट करूं जहां पे वाई एक्सिस पे जो है वो रिफ्लेक्शन का क्वांटिटी है, मतलब जितना मैं लाइट उसके ऊपर डाल रहा हूं उसका कितना वापस आ रहा है मेरे पास, तो रिफ्लेक्टेंस है लेफ्ट के ऊपर, और नीचे यानी एक्स एक्सिस के ऊपर मैं कलर लिख देता हूं जो है ब्लू ग्रीन और रेड। आप देखोगे तन्मय भैया का जो है वो रेड में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन में उससे कम कर रहा है और ब्लू में बहुत कम कर रहा है। अब ये क्या है जो मैंने ग्राफ किया, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, मतलब किस स्पेक्ट्रा के ऊपर वो शर्ट कैसा रिफ्लेक्ट करेगा। सही है, यहां तक आप क्लियर हो, ऑफ कोर्स होंगे। अब आप में से क्यूरियस लोग कुछ होंगे जो सोच रहे कि ये तीन कलर ही क्यों, मैं येलो लाइट भी मार सकता हूँ, पिंक लाइट भी मार सकता हूँ। सही है, पर जो रेड ग्रीन और ब्लू है वो प्राइमरी कलर्स है, उन्हें हम मिक्स करके कोई भी और कलर बना सकते हैं। तो आप येलो को भी रेड ग्रीन और ब्लू के वैल्यूज में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने देखा होगा ना आजकल फैशन चल रहा है RGB ये वो इसलिए क्योंकि वो कलर्स मिक्स करके आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आप अपने टीवी के नजदीक भी जाओगे और एकदम पिक्सल के ऊपर जूम इन करोगे अपने कैमरा से, तो आप देखोगे हर एक पिक्सल जो है वो ऐसे स्ट्रिप से RGB और B का। और ये तीन क्या है, मतलब हमने तीन RGB और B में उन्हें ऑब्जर्व किया, पर तीन किस में ऑब्जर्व किया? हमने तीन स्पेक्ट्रल बैंड्स में ऑब्जर्व किया, इसे एक एक बैंड कंसीडर कर सकते हो। पर आप यहाँ एक चीज देखोगे, मतलब यहाँ ना जो मेरा रेड है वो आपके रेड से अलग हो सकता है, राइट? मेरा रेड का जो शेड है या जो भी है वो आपके रेड से अलग हो सकता है। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जैक्ट इन कलर्स की वेवलेंथ डिफाइन करें। वेवलेंथ मतलब क्या, उसमें आपको ये ज्यादा डीप समझने की जरूरत नहीं। देखो, लाइट एक वेव है, एक वेव और ये ऐसे मल्टीपल वेव्स रिपीट होते हैं। हर कलर या हर स्पेक्ट्रम का एक अपना वेव लेंथ होगा। इस केस में रेड करीब 700 नैनोमीटर पेंड होगा, ग्रीन 550 के आसपास, और ये जो ब्लू है 400 नैनोमीटर से हम पकड़ लेते हैं। ये ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं। तो ये हुआ प्रॉपर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कि 700 नैनोमीटर वेव लेंथ यानी रेड के आसपास उनका हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस है तन्मय भाई का इस केस में। और सिंस हम इसे तीन स्पेक्ट्रल बैंड्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हुआ मल्टी स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन। मल्टी क्यों, मतलब एक से ज्यादा स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व कर रहे तन्मय भाई को यहाँ पे। अभी आप एग्जांपल ले लेते हैं ज्यादा अच्छी तरह इंट्यूटिवली समझने के लिए। इमेजिन करो एक सैटेलाइट है गरीब सैट 1A, ओके, जिसने ये फोटो खींचे है दो। अब गरीब सैट एक मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है जो विजिबल यानी ये RGB बैंड्स में तीन स्पेक्ट्रम में इमेजेस खींचता है, ठीक है। इन दोनों इमेजेस में से एक ही इमेज जो है वो पानी है, बट कौन सी? अब आप बोलोगे, आप तो इंसान हो कि भैया ये राइट वाला जो है उसमें वेव्स दिख रहे हैं हमें, तो शायद ये पानी है। बट
अब इमेजिन करो आप गरीब सैट हो, अब आपको थोड़ी इमोशन से आपको थोड़ा उस लेवल का इंटेलिजेंस है कि भाई इसमें कुछ अलग लग रहा है इसलिए पानी है और इसमें नहीं है इसलिए पानी नहीं है। सैटेलाइट को कैसे पता चलेगा कि ये पानी है और पानी नहीं है? ऑफकोर्स लोकेशन से पता चल सकता है, बट इमेजिन करो आप डेटा डाउनलोड किए हो आपके पास लोकेशन नहीं है, या लैंड के ऊपर हो आप और कोई लेक है जो आपको पता नहीं चल रहा है। अगर मैं दोनों का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर दिखाऊं, दोनों ब्लू में हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस दिखा रहे और रेड और ग्रीन बैंड जो है वो बहुत कम रिफ्लेक्टेंस दिखा रहे हैं, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये पानी है कि नहीं है? यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, जो मैं आपको ग्राफ्स दिखा रहा हूँ तब से वो ऑलमोस्ट 700 नैनोमीटर पे एंड हो रहा है, उसके बाद आगे क्या है? देखो आपने ये चार्ट देखा होगा, इस पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं इस चार्ट पे, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब कहाँ जाता है। हम बेसिकली इंटरेस्टेड है इस विजिबल रीजन में, ये विजिबल रीजन है जो हमें अपने आंखों से दिखता है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अब इंफ्रारेड वगैरह हमें आंखों से तो दिखता है नहीं, पर चीजें इंटरेक्ट जरूर करती है इंफ्रारेड के साथ। अगर आपको इंफ्रारेड देखना है तो अगर आपके घर में टीवी है, टीवी का रिमोट है, तो अपना फोन का कैमरा टीवी के रिमोट के पास पॉइंट करो और कुछ बटन दबाओ, आपको दिखेगा वो बल्ब लाइट हो रहा है, पर आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, वो एक आयर बल्ब है, इंफ्रारेड बल्ब है। चीजें इंटरेक्ट करती है पर ये सब फील्ड्स के साथ या स्पेक्ट्रम के साथ। तो अगर मैं 700 नैनोमीटर के आगे प्लॉट करूं तो 1000 यानी 1500 तक है नियर इंफ्रारेड और 2500 तक है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। तो पानी का जो प्रॉपर्टी है, पानी इंफ्रारेड वगैरह ऑलमोस्ट सब मतलब रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। तो अगर मैं आपको हमारे एग्जांपल में पूरा ग्राफ दिखाऊं तो उनका ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, तो आप क्लियरली देख सकते हो हमें अभी गारंटी हो गई कि राइट वाला पानी है क्योंकि वो इंफ्रारेड ऑब्जर्व कर रहा है और लेफ्ट वाले तन्मय भैया का फोटो है विद ब्लू कलर। हाँ ये लास्ट था जब मैं ये फोटो इस्तेमाल करूंगा, हम इसे बाय बाय कह सकते हैं। एक और गजब एग्जांपल देता हूँ आपको, मतलब बहुत इंप्रेसिव। ये देखो ये एक स्टेडियम का फोटो है, आप तो बोल रहे होंगे कि ये स्टेडियम के बीच में ग्रास है, ठीक है, स्टेडियम के आसपास भी ग्रास है। अब अगर हम गरीब सेट वन ए होते हैं तो हमें लगता कि दोनों ग्रास ही है, पर ये जो ग्रास या ये सब वेजिटेशन है इनकी एक प्रॉपर्टी है, ये ग्रीन तो रिफ्लेक्ट करते ही है, मतलब हमें वेजिटेशन ग्रीन लगता है राइट, तो ग्रीन बैंड में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेंस है, पर इससे भी ज्यादा इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसी इमेज के ऊपर इंफ्रारेड ओवरले कर लूं तो आपको दिखेगा कि स्टेडियम का जो ग्रास है वो रेड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये ग्रास है ही नहीं, ये एस्ट्रोटर्फ है, जो फेक ग्रास लगाते हैं ना स्टेडियम्स में, वो है ये। अब आप तो बोल रहे होंगे कि भाई मल्टीस्पेक्ट्रल तो सही है, मतलब गजब है, कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पर नॉट रियली, इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स है। एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिन करो मेरे को सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करना है कि कहां नीम है और कहां आंवला है, मतलब इनके झाड़ कहां पे और कहां पे नहीं है। अब मेरे पास इनके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स भी है, ओके, क्लोजली देखूं तो आप देखोगे कि ये 1500 नैनोमीटर पे काफी बड़ा डिफरेंस है उनके रिफ्लेक्टेंस वैल्यू में इंफ्रारेड में, ओके। अगर मैं आपको क्लियर कर दूं ये रियल वैल्यूज नहीं है, पर मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो हमें बताया अगर हमारे पास ऐसी सैटेलाइट मिलती है जो 1500 नैनोमीटर बैंड पे ऑब्जर्व कर ले कि इतना बड़ा रिफ्लेक्टेंस डिफरेंस है, पर अगर आप गरीब सैट का डेटा देखोगे इस रीजन के लिए तो कुछ ऐसा दिखता है, जिस वेवलेंथ पे हमें डेटा चाहिए वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, मतलब उसके साइड में है सब कुछ, तो मतलब गरीब सैट 2 का वो कम है। वो क्या? गरीब सैट 2 का स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कम है, मतलब एक बैंड से दूसरे बैंड में जो है वो बहुत ज्यादा गैप है, और एक बैंड से दूसरे बैंड के गैप को हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो फिर क्या मैं गरीब सैट एक और लॉन्च कर दूं और एक बैंड यहां पे डाल के, कब तक ऐसे करोगे? हर एक नया मिशन रिक्वायरमेंट आएगा तो आप क्या बैंड्स डालते जाओगे क्या? बाय द वे मैं आपको एक डिफेंस का एग्जांपल देने वाला हूं आगे, मुझे पता है काफी लोग इंटरेस्टेड होंगे, पर वो आगे होगा। इसलिए इस केस में मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो है वो काफी लिमिटेशन कर देते हैं, क्योंकि मल्टी स्पेक्ट्रल हम अज्यूम कर सकते हैं कि 10 बैंड्स तक कंटिन्यूस बैंड्स इस स्पेक्ट्रल रेंज में इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। तो यहां पे आते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स, इमेजिंग सैटेलाइट, क्यों? क्योंकि हाइपर स्पेक्ट्रल जो है काफी सारे सैटेलाइट जो लॉन्च हो चुके हैं वो 100-150 बैंड्स में ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये ऐसे 5-10 की बातें नहीं कर रहे हैं, 150 के प्लस या 100 प्लस, मतलब टेक्निकली 10 प्लस अगर आप जाओ तो आप हाइपर स्पेक्ट्रल हो प्लस, पर उसके दूसरे रिक्वायरमेंट्स भी है जैसे कंटिन्यूस बैंडविड्थ होना चाहिए वगैरह वगैरह, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर पिक्सल के केस में 300 बैंड्स में ऑब्जर्व करेगा वो, तो 400 नैनोमीटर से लेके 2500 नैनोमीटर तक 300 बैंड्स, हर बैंड का बैंडविड्थ 10 नैनोमीटर से भी छोटा, इतने सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे एक एरिया के। अब स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज वगैरह तो पब्लिक में काफी है, और अगर नहीं मिलते तो काफी इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कलेक्ट करने का किसी चीज का। अब मुझे पता आप में से काफी लोग ये भी सोच रहे हैं कि सैटेलाइट ही क्यों, मतलब ड्रोन या एयरप्लेन भी तो उड़ा सकते हैं। हाँ वो आजकल भी चलता है, काफी सारे इसे एयरबॉर्न
सेंसर्स कहते हैं, मतलब जो सेंसर्स आप ड्रोन पे वगैरह लगाते हो। और अगर आपने मेरा इंडियन स्टार्टअप मेक्स दिस टाइनी टेलीस्कोप वो वीडियो देखा है, तो जो इओन स्पेस लैब्स है वो कंपनी, वो भी काम कर रही है हाइपरस्पेक्ट्रल ड्रोन कैमरास के ऊपर और हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट कैमरास के ऊपर। ऑल्दो एक और नोट, इंपॉर्टेंट नोट है ये कि पिक्सल के केस में पिक्सल का एक खुद का सैटेलाइट सेंसर नहीं है, कैसे इमेजिंग सेंसर नहीं है, वो कोई और बना रहा है। ड्रोन पे डालने का एक फायदा है, आप उस इमेज को जो है वो ज्यादा जूम कर सकते हो। ऑल्दो आपका एरिया छोटा होगा डेटा कलेक्ट करने का, ज्यादा जूम कर सकते हो, मतलब क्या उस इमेज का रेजोल्यूशन ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा है, वो क्या उसका जो है स्पेशल रेजोल्यूशन ज्यादा है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है वो गोवा एयरपोर्ट का है, ये 1 मीटर पर पिक्सल का रेजोल्यूशन रखता है। मतलब क्या, मतलब एक पिक्सल इस इमेज का 1 मीटर है धरती के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। इसलिए आपने देखा होगा इसे काफी लोग GSD करके रिफर करते हैं, यानी ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस। बीच में का जो फोटो है वो 5 मीटर पर पिक्सल का है सेम एरिया, और राइट में जो फोटो है वो 56 मीटर पर पिक्सल का है। तो आप देख सकते हो बॉक्स दिख रहा है, क्योंकि 56 मीटर ग्राउंड का एक इतना बड़ा पिक्सल बन जाता है। तो हाँ, आई होप इससे आपको वो स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पिक्सल के जो फ्यूचर सेट्स है वो बीच वाले की तरह फोटोज दिखेंगे उसके, वो है 5 मीटर पर पिक्सल, पर जो शकुंतला और आनंद है वो 10 मीटर पर पिक्सल पे लॉन्च होंगे। पर एक और चीज यार, मतलब कितने बार उड़ाओगे आप ड्रोन, और स्पेशली एयरप्लेन तो कितना ही महंगा पड़ेगा, कितने बार उड़ाओगे? यानी उनका वो कम है। वो मतलब क्या, उनका टेम्पोरल रेजोल्यूशन कम है, मतलब कितने टाइम आप सेम साइट का इमेजेस बार बार ले सकते हो, क्या डेली ले सकते हो, क्या हर 2 घंटे ले सकते हो, क्या हर 1 घंटे ले सकते हो। पिक्सल लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं, लॉन्च करने की 30 सैटेलाइट्स, और वो एम कर रहे हैं कि उनका 24 आवर डेली स्पॉट इमेजरी वो निकाल पाए, हर एक एरिया की रोज एक इमेज निकाल पाए, तो बहुत भारी टेम्पोरल रेजोल्यूशन होगा। पर मुझे बताए अभी आप क्या सोच रहे हो कि मतलब भाई इंडियन स्टार्टअप ये कर रहा है, क्या इसरो ने ये नहीं किया? वेल किया है, 3 इंस्टेंसेस मुझे पता है। एक तो 2018 में एक हाइसिस करके सैटेलाइट लॉन्च की थी, आपको याद होगा, ये मीडिया वाले पागल हो गए थे इसरो के नाउसी अंडरग्राउंड वगैरह सब बोलने लगे थे, अंडरग्राउंड नहीं दिखता है हाइपर स्पेक्ट्रल में, वो फाइनली ऑप्टिकल है, ऊपर का जो है वही दिखेगा आपको। ये जो सैटेलाइट है, अगर आपको स्पेक्स बोलूँ, अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हाइपर स्पेक्ट्रल ये सब टर्म्स आपको समझ में होंगे। इसके जो थे 64 बैंड और स्पेशल रेजोल्यूशन 500 मीटर पर पिक्सल, उसका स्पेक्ट्रल रेंज भी कम था, आई थिंक मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा, बट 960 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 960 नैनोमीटर तक, मतलब विजिबल RGB प्लस थोड़ा बहुत नियर इंफ्रारेड। हाइसिस के बजाय इसरो ने एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर चंद्रयान 1 पे डाला था, जिसका नाम है HYSI, का नाम था हाइसिस, यानी हाइसिस सैटेलाइट। और GISAT जो रिसेंटली फेल हुआ, GISAT 1, उसके ऊपर एक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर था, और अगर वो सक्सेसफुल होता तो वो दुनिया का पहला हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर बनता इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। पर आपको बताइए, वो मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी, होपफुली GISAT 2 जल्दी लॉन्च हो, क्योंकि GISAT 2 की प्लानिंग GISAT 1 के टाइम ही चल रही थी, तो देखते हैं। अभी आपको एक डिफेंस एग्जाम्पल देता हूँ हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी का, ठीक है? इमेजिन करो एक टैंक्स वगैरह झाड़ में छुपे, उन्होंने रेड ग्रीन कलर कवर डाल दिया। अब अगर आप ऑप्टिकल से देख रहे हो आपको दोनों ग्रीन ही लगेंगे, पता नहीं चलेगा, पर अगर आप हाइपर स्पेक्ट्रल में देखोगे, दूसरे बैंड्स में देखोगे, आपको क्लियर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स अलग लगेंगे उनके, तो फिर आप बोल सकते हो कि उसमें टैंक है। पर हाँ, इसके लिए ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं जो बीच वाले टैंक ने किया है, कि उसने झाड़ को कट करके टैंक के ऊपर डाल दिया, तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर तो मैच हो गए, करेक्ट? झाड़ का भी सेम दिख रहा है, टैंक के ऊपर जो झाड़ है उसका भी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर सेम, तो इस केस में ये अच्छा ट्रिक है, पर ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे पत्तों का क्लोरोफिल कंटेंट और पानी का कंटेंट कम होने जाएगा, उनका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ड्रास्टिकली चेंज होगा, तो फिर हमें दिखेगा कि ये भाई यहाँ कुछ कांड हो रहा है। पर एक हाँ, स्मार्ट मूव तो है, टेम्परेरी अच्छा है, ग्रेट स्ट्रेटेजी। वैसे ही इमेजिन करो कोई नदी है, आजकल बैंगलोर में भी आपने देखा है ना लेक पोल्यूशन वगैरह, हाइपर स्पेक्ट्रल से हम अलग अलग बैंड्स में ऑब्जर्व करके अलग अलग पोल्यूशन टाइप्स के सिग्नेचर्स मैच कर सकते हैं और पता लग सकते हैं कि यहाँ पोल्यूशन हो रहा है या कोई डंप कर रहा है, कोई नदी, गंगा नदी वगैरह, कोई अगर फैक्ट्री डंप कर रहा है, हमें क्लियरली दिखेगा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर चेंज होते हैं उस डंपिंग एरिया में। इलीगल माइनिंग हो रही है, अगर आप लोग भी चलते भी है कहां पे, तो वो जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है वो डर्ट का चेंज कर सकते हैं, ज्यादा बैंडविड्थ छोटी है तो हमें पता लग सकता है कि यहाँ कुछ कांड हो रहा है। इसलिए कहता हूँ ये बेसिकली एक हेल्थ मॉनिटर है पूरी दुनिया के लिए, इलीगल एक्टिविटी ट्रैक करना बहुत आसान होगा, और आई होप इंडियन गवर्नमेंट इसका फायदा उठाएगी और दूसरे गवर्नमेंट्स भी दुनिया के। अगर आपको इस फील्ड में ज्यादा डीप जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसरो का ही चैनल है IIRS देहरादून EDUSAT करके। मैं इसलिए
रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसरो है, इंडिया का है, नहीं, उनका उनका जो कंटेंट है वो एक्चुअली अच्छा है और काफी समझ में आ जाएगा आपको इस फील्ड में जाना है, ये रिमोट सेंसिंग का फील्ड है। और आई होप रिगार्डलेस आपके बैकग्राउंड के, आप कॉमर्स या आर्ट्स से जो भी हो, आपको ये वीडियो समझ में आया हो, मैंने बहुत सिंपल करने ट्राई किया था। और अगर आपको इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हो, नहीं तो आपको यूपीआई प्रीफर करते हो तो बाय मी अ कॉफी पे, इधर बाय मी अ बुक है, नहीं तो आप मेंबर बन जाओ, वहां पे सस्ता है यूट्यूब से। आई थिंक ये कॉन्स्टेलेशन गेम चेंजर होगा, देखते हैं क्या होगा। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला। ज्ञान की गरीब सबसे बड़ी, जय हिंद जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल, बुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, नारायण प्रसाद, हिमांशु शंकर, सचिन यादव, कुजवी मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा, एक एनोनिमस, अभिषेक श्रीवास्तव, तन्मय देशपांडे, निशंत कुमार, प्रिंस बंसल, विशाल बारोत, पल्लव रानडे, हाइड्रेटिंग, क्रिस नायर और विशाल बी, सब मेंबर्स को थैंक यू।